रख विश्वास, तू है शिव का दास। फिल्म OMG 2 की रिलीज में अब बस 10 दिन रह गए हैं। अगर अभी भी ये फिल्म 11 अगस्त को गदर 2 के साथ रिलीज होती है तब, जो कि अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फाइनली फिल्म को रिलीज सर्टिफिकेशन मिल गया है। लेकिन ये सर्टिफिकेट पाने के लिए फिल्म को क्या कीमत चुकानी पड़ी है, फिल्म में क्या बदलाव किए गए हैं, वही सब जानेंगे इस वीडियो में। हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना इशू समर। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। खिलाड़ी कुमार इन दिनों अपनी फिल्म को लेकर काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। फिल्म के टीज़र को जहां अच्छा रिस्पांस मिला, वहीं सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन देने में काफ़ी टाइम लगा दिया है। ऑडियंस ने जहां अक्षय कुमार को भगवान शिव के किरदार में पसंद किया, तो वहीं सेंसर बोर्ड की माने तो फिल्म का सब्जेक्ट काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। फिल्म धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है तो सेंसर बोर्ड को भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही है। बीते कई दिनों से फिल्म रिव्यू कमेटी इस फिल्म पर विचार कर रही थी और अब फाइनली उन्होंने फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट यानी ए सर्टिफिकेट दे दिया है। हालांकि मेकर्स फिल्म के लिए UA सर्टिफिकेट की मांग कर रहे थे, लेकिन बोर्ड का फैसला था कि अगर UA सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए फिल्म में बहुत से सीन्स को कट करना पड़ेगा, और अगर फिल्म से सीन कट होते हैं तो फिल्म की स्टोरी लाइन बर्बाद हो जाती है, जो मेकर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसलिए फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलने के साथ साथ इसमें कोई भी कट्स नहीं लगे हैं, लेकिन 25 बदलाव किए गए हैं। सोर्सेज की माने तो फिल्म में कोई विजुअल कट नहीं है, ऑडियो कट्स यानी डायलॉग्स पर कट्स मारे गए हैं। ये फिल्म सेक्स एजुकेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर बेस्ड है, इसलिए इतने दिनों से अटकी पड़ी है। आपको बता दूं कि आखिरी बार अक्षय कुमार की फिल्म देसी बॉयज़ को 2011 में ए सर्टिफिकेट मिला था, और अब 12 साल बाद उनकी किसी फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है। फिल्म का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 36 मिनट का बताया जा रहा है। 25 चेंजेस बताने में तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको मेन चेंजेस बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहले तो अक्षय कुमार को भगवान शिव नहीं बल्कि उनके किसी मैसेंजर या भक्त के रूप में दिखाया जाएगा। फ्रंट एंड न्यूडिटी के कुछ सीन्स को बदला गया है। इसके अलावा मंदिर में महिलाओं को लेकर कोई अनाउंसमेंट था जिसको बदला गया है। एक सीन मोरेक्स कॉन्डम के बिलबोर्ड को हटाया गया है। एक मास्टरबेशन रिलेटेड सीन है जिसमें हराम वर्ड को पाप वर्ड से बदला गया है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे ऑडियो चेंजेस हैं जिनमें महिलाएं, सेक्स, लिंग या ऐसी कोई भी बातें की गई हैं। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वल्गर जेस्चर्स और लैंग्वेज को बदला गया है। ओवरऑल 25 मॉडिफिकेशन जो हुए हैं, अगर आपको वो देखने हैं तो मैं उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन इतने चेंजेस के बाद क्या फिल्म में वो बात रह पाएगी? एक तरफ हम कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और वहीं जब ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्म आती है तो उस पर कैची चल जाती है। आई एग्री कि फिल्म धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है, लेकिन ये सब आपको आदिपुरुष और ओपनहाइमर के वक्त याद नहीं आया? खैर, जल्दी ही मेकर्स फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं। अब कैसा होगा वो ट्रेलर मुझे तो ज़रूर देखना है, और उसका रिव्यू भी करेंगे। आपको इस सब पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग द डॉलीवुड रिपोर्टर।